सो so, का चार्ट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो पिछले कुछ दिनों की अगर मैं हम बात करते हैं तो पिटाई है काफ़ी ज़्यादा हुआ था रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और वापस से सेलिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है सो लॉन्ग टर्म अगर चार्ट का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो चार्ट के स्ट्रक्चर ठीक ठाक बने हुए हैं आप लोग यहाँ पर देखिए कि मार्च 2021 से ऑलमोस्ट दो साल होने वाला है स्टॉक अभी म्यूट कंडीशन में ही है ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया है और ज़्यादा नीचे भी नहीं गया है थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखना देखता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग uh, बन रहा है वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ के आसपास तो जैसे ही हायर लेवल्स पे आएगा तो थोड़ा सेलिंग भी यहाँ पर आता हुआ देखने को हमें मिल सकता है बट एज़ पर द लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर जिस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से वॉल्यूम से खरीदारी हुई और वापस से हमें एक यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें और भी लोअर लेवल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉक के अंदर और भी आने वाले दिनों में पिटाई हमें देखने को मिल सकती है नाइन्टी सिक्स रुपीज़ के नीचे जैसे ही सस्टेन करना चालू करता है इमीडिएटली हमें लोअर लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे समवेयर अराउंड नाइन्टी रुपीज़ ठीक है और वहाँ से भी एक बार ऑलरेडी बाउंस आ चुका है तो वहाँ से और भी गिरावट हो सकता है सो तो मेरे हिसाब से आ, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की एडवाइस में अभी यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ और आ, हायर लेवल्स भी मैं बताता हूँ आपको कि जो मैंने प्रीवियसली भी बताया आपको कि वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ के आसपास एक हल्का सा सेलिंग भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ से स्टॉक्स ऊपर के लेवल दिखाता भी है तो वहाँ पर आपको सेलिंग ही देखने को मिलने वाला है ठीक है सो एस के अंदर अभी कुछ भी ना करने की एडवाइस है ठीक है ऑलरेडी बने हुए हो तो एक स्टॉपलॉस आप लगा के आपको काम करना है तो आप काम कर सकते हो 96 सिक्स रुपीज़ का एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा लो जैसे ही इस, इस इसके लेवल के नीचे सस्टेन करना चाहे हमें और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकता है इवन स्टॉक के अंदर एटी रुपीज़ तक का डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं और हायर साइड्स तभी पॉसिबल है जब ये स्टॉक्स वन के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है उसके बाद ही उससे पहले यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की एडवाइस मैं आपको नहीं देता हूँ यहाँ से 110 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो तीन रुपये का रिस्क लेके किसी को भी काम करना है तो कर सकते हो 107 ज़ीरो सेवन वुड बी योर स्टॉप लॉस तो जिस तरह से बताया है उस तरह से प्राइस एक्शन एक बार देखिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से प्राइस मूवमेंट होता है